और इसीलिए ये जो सारी बातें चल रही थी कि पोर्टल्स खुल गए हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा ऊर्जा इतिहास में एक जगह पे फोकस नहीं हुई है। इसलिए पिछली बार लोग बोल रहे थे कि यहाँ पे अर्थ कोलैप्स हो जाए, इतनी ऊर्जाएं भी हैं। सच्चाई क्या है भविष्य ही पता चलेगा। वो हम सबका मित्र है समय, और भविष्य वो जो हमारा मित्र है वो हमें सबको बताएगा कि कितना सच है कितना झूठ है। विकास जी का एक प्रश्न है, वो कंटेक्स्ट उसका काफ़ी महत्वपूर्ण है, और अंकिता जी का भी जो प्रश्न है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण कंटेक्स्ट है, अभी जो फिजिक्स के क्षेत्र में जो चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि फिजिक्स को ही वो लोग एक वो लैंग्वेज मानते हैं जो ह्यूमन रेस को आगे पहुँचा सकती है, तो फिजिक्स का बहुत महत्व है। तो सबसे पहले हम जॉर्जियन गाइड स्टोन्स के बारे में कुछ जान लें, बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये वो चीज़ है जिसको एक सिंबल माना जा रहा था जॉर्जियन गाइड स्टोन्स को, कि सारे एलीट्स की कोशिश है इस चीज़ को फॉलो करना। अब जॉर्जियन गाइड स्टोन्स क्या है वो, वैसे मैम ने एक वीडियो भी बनाई थी, मैं शॉर्ट में बता दूं। जॉर्जियन गाइड स्टोन्स, शायद आज तक इससे बड़ी मिस्ट्री किसी भी मॉन्यूमेंट से नहीं जुड़ी हुई है। ये 6 ग्रेनाइट के पत्थरों का समूह है जो अचानक से 1979 में जॉर्जिया नाम के शहर में अपीयर हुआ, और इन 6 पत्थरों पर 8 अलग अलग भाषाओं में बहुत ही ज़्यादा अजीब और डरावनी बात लिखी हुई है कि ह्यूमन पॉपुलेशन सिर्फ 50 करोड़ के अंदर अंदर होनी चाहिए। एट प्रेजेंट तो जॉर्जिया में 1980s में एक पत्थरों का समूह था, और उसमें 10 भाषाओं में या शायद 8 भाषाओं में 10 कमांडमेंट्स यानी कि 10 ऑर्डर्स लिखे हुए थे जो ह्यूमन रेस को फॉलो करने हैं। उसमें से एक ऑर्डर था कि इंसानों की जनसंख्या 50 करोड़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एक कुछ इस प्रकार का ऑर्डर था कि इंसान को कैंसर की तरह नहीं बिहेव करना पृथ्वी पर। एक अच्छे अच्छे ऑर्डर्स भी थे कि यूजलेस लॉज हट जाने चाहिए पृथ्वी से, जो गदबुरे ऑफिशियल्स हैं वो हट जाने चाहिए। हमें टेम्परामेंट से और रीजनिंग से दुनिया को रूल करना है, हमें पीस मेंटेन करना है, हार्मनी विद नेचर, ये सारी चीज़ें भी लिखी हुई थी। तो पहला अगर हम ऑर्डर देखते थे उसका, तो वो था कि 50 करोड़ से ज़्यादा जनसंख्या नहीं होनी चाहिए, और एग्जैक्टली यही चीज़ वो चीज़ें थी जो प्लांट पेरेंटहुड या कि नीग्रो प्रोजेक्ट या फिर जिनको हम कहेंगे कि फैमिली प्लानिंग, ये सारी चीज़ें आई हैं, सबके नाम बदलते बदलते हो गई है। जैसे कि नीग्रो प्रोजेक्ट का हमने डिस्कस करा था कि कैसे नीग्रो पॉपुलेशन को ख़त्म करना चाहते थे, पॉपुलेशन से रिलेटेड हो रहे हैं सारे के सारे इश्यूज़, है ना। फिर नीग्रो प्रोजेक्ट को उन्होंने चेंज करा क्योंकि बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल है, शब्द भी नीग्रो नहीं बोलना अलाउड होता है, वो शब्द पे भी जैसे इंडिया में बोला जाए चिंकी शब्द नहीं बोल सकते तुम नॉर्थ ईस्ट के लोगों को, तो गलत चीज़ गंदी चीज़ मानी जाती है, तो वैसे नीग्रो शब्द नहीं बोलते, तो वो नीग्रो शब्द को चेंज करके उन्होंने प्लांट पेरेंटहुड करा था। प्लांट पेरेंटहुड का हेड कौन बन गए थे बाद में, बिल गेट्स के फादर, और फिर उसके बाद वो सारा प्लांट पेरेंटहुड की संभाल संभाला बिल गेट्स ने। बिल गेट्स ने अपना बहुत ज़्यादा फंडिंग कहाँ दी है, फैमिली प्लानिंग शब्द उन्होंने चेंज कर दिया। अब उनके ये कंसेप्ट है कि कैसे ह्यूमन रेस को हम चलाएं, तो वो अब आप देखेंगे कि उन्हें पॉपुलेशन कंट्रोल करनी है, तो उन्होंने सस्पष्ट लिखा हुआ ही है कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का एक तो उन्होंने जो जॉर्जियन गाइड स्टोन्स था वो तो था, और उसका आप कंटेक्स्ट में आपको बता रहा हूँ क्या चल रहा था बैकग्राउंड पर, कि वो स्पष्ट दिखते हैं अगर पॉपुलेशन कंट्रोल करनी है तो हमें वुमेन एम्पावरमेंट करना है। अभी तो हमें लगता है वुमेन एम्पावरमेंट तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन वो कहते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट का असली मीनिंग होता है कि वुमेन बच्चे पैदा ना करें, हमें गे और लेस्बियंस पैदा करने इस पृथ्वी पर ज़्यादा से ज़्यादा। स्ट्रेट लोग नहीं होने चाहिए, अगर स्ट्रेट लोग होंगे, स्ट्रेट लोग ज़्यादा होंगे तो जनसंख्या बढ़ जाएगी, तो उनकी कोशिश होती है होमोसेक्सुअलिटी प्रमोट करना। ये उन्होंने अपने उसमें लिखे हुए हैं, ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में ही उनके प्लान्स हैं वो लिखे हुए थे उन्होंने, शायद 1984 का कोई डॉक्यूमेंट था उसमें ये सारा लिखा हुआ है जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, है ना। तो इस प्रकार की चीज़ें उन्होंने यहाँ तक प्लानिंग कर रखी थी कि हमें प्रमोट करना है वुमेन एम्पावरमेंट के जरिए कि वुमेन जॉब करें, और ये भी लिखा हुआ है क्यों जॉब करें, ताकि वुमेन बच्चे ना पैदा करने के समय मिल पाए, उसे जॉब करना उसके माइंड में डाल दिया जाए, अगर तुम्हें जॉब नहीं मिल रही है तो दुनिया में इनइक्वालिटी है, वुमेन की जो पावर है वो ऐसी बता दी जाए कि वुमेन के मकसद बन जाए ज्यादा से ज्यादा मैनली बनना। अच्छा, मैन अगर नौकरी करता है मुझे भी नौकरी करनी है, तो ये सारे वो, क्योंकि आप ये समझें कि वो कभी लड़ाई नहीं करते। मैं हमेशा बोलता हूँ जो बुद्धू है वो लड़ेगा, वो लोग लड़ाई करके अपने
अपने प्लांट्स नहीं अप्लाई करते, वो मस्तिष्क की मदद से प्लांट्स अप्लाई करते हैं, क्योंकि इंसानों के अंदर भावनाएं डाली जाती है। आज से पहले आप 50-60 साल पहले किसी औरत से पूछेंगे तुम्हें एक्सप्लॉइटेड फील होता है, वो पूछती क्यों, क्योंकि तुम्हें नौकरी नहीं करने दे रहे, तो बोलते ये कैसी बात है। आज अगर आप किसी इंडिया की लड़की से पूछे तुम्हें एक्सप्लॉइटेड फील होता है कि तुम्हें नौकरी नहीं करने दे रहे, बोलते बिल्कुल फील होता है। उसके बहुत सारे रीजंस भी हैं, मनी पावर भी बन चुका है, पहले मनी के अलावा लव की भी एक पावर बहुत एविडेंट थी, और भी बहुत सारे रीजंस है ना। तो ऐसे करके वो ये हमेशा से डाला गया है, उनके प्लान्स थे कि कैसे हमें होमोसेक्सुअलिटी प्रमोट करनी है और कैसे हमें वुमेन एम्पावरमेंट यानी कि वुमेन को ये सिखाना है कि तुम्हें जॉब करनी है ताकि वो बच्चे पैदा ना कर पाए, तो इस जरिए पॉपुलेशन कंट्रोल करना। और बाकी जो चीजें हैं वो तो बहुत बड़ा उसमें ये भी मुद्दा था पॉपुलेशन कंट्रोल में कि हमें हेल्थ सेक्टर की मदद से ही पॉपुलेशन कंट्रोल कर लेंगे। तो उसी के आधार पर 1980 के जॉर्जियन गाइडस्टोन्स देखे जा रहे थे कि इन्हीं एलीट ग्रुप्स में से किसी ने ये स्टोन्स खड़े करे जॉर्जिया में, और वो किसी को नहीं पता था आज तक कि खड़े किसने करे है ना। बहुत सारी बातें हैं कि आर सी क्रिश्चियन नाम के इंसान ने खड़े करे, वो आर सी क्रिश्चियन कौन है वो किसी को भी नहीं पता आर सी क्रिश्चियन कौन। अब रिसेंटली वो सारे के सारे जॉर्जियन गाइडस्टोन्स टूटे हैं, ब्लास्ट हुआ वहां पे, और हालांकि वहां पे सीसीटीवी कैमरास भी हैं, वो अभी तक किसी को नहीं पता था कि वो बनाए किसने हैं और अभी तक किसी को नहीं पता कि तोड़े किसने हैं। ये कितनी अजीब बात है। और वो इतने महंगे स्टोन्स थे, ये एविडेंट था कि कोई आम इंसान उसे नहीं बना सकता, और बिना ऑफिशियल्स की परमिशंस के वो खड़े भी नहीं करे जा सकते। और ऐसी स्थिति में और वहां पे कोई शॉपिंग का कोई आसपास शॉप्स बनाना भी अलाउड नहीं है, ऐसा नहीं है कि वहां पे तुम शॉप्स बना दो, वो एरिया ऐसा है, वो लैंड पूरा खरीदा गया था, किसी को नहीं पता किसने बनाया है वो। कितनी अजीब बात है। अब वहां पे फिर से जब बम ब्लास्ट हुआ, और आप इसके ये आप कंटेक्स्ट बैकग्राउंड थोड़ा आप समझे होंगे क्या जॉर्जियन गाइडस्टोन्स क्या है, किससे मुद्दा था। अब आप ये देखें कि जिस दिन जॉर्जियन गाइडस्टोन्स टूटे उसी के अगले 3-4 दिन में क्या क्या घटनाएं हुई हैं, उससे पहले 2 दिन और उसके 2 दिन बाद या 2-3 दिन के आसपास। CERN जो अंकित जी का क्वेश्चन था, CERN वो स्टार्ट हुआ फिर से, तीसरी बार स्टार्ट हुआ है वो CERN, वो अभी हम देखेंगे क्या है वो CERN यानी सन। उसके अलावा अभी 3 दिन पहले आप देखेंगे शिंजो आबे का मर्डर हुआ है। उसके अलावा बोरिस जॉनसन जो यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने इस्तीफा दिया, उसी के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया। ऐसी और भी बहुत सारी घटनाएं जो डायरेक्ट उसके साथ, क्योंकि आप ये समझें कि जॉर्जियन गाइड्स ये इंग्लैंड, USA, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यहां पे जो भी पॉलिसीज आ रही थी एक साथ आई हैं पिछले 3-4 सालों में, सारी चीजें एक साथ आई हैं। जो ब्रिटेन एग्जिट हुआ उसका बहुत बड़ा लिंक था कि अब ये जो बीमारी फैली उससे बहुत बड़ा लिंक था, क्योंकि ब्रिटेन की बिल्कुल सेपरेट पॉलिसी गई इस बार कोविड में और यूरोप की बिल्कुल सेपरेट पॉलिसीज गई, तो इनका बहुत एक्सट्रीम लिंक है, चाइना से भी बहुत एक्सट्रीम लिंक है। बहरहाल ये कुछ बातें थी। और जॉर्जियन गाइडस्टोन्स कैसे टूटे अभी तक तो किसी को नहीं पता चला, उसका कंटेक्स्ट ही है पीछे, बैकग्राउंड में ये चल रहा था। इसी के साथ अब आप ये देखें कि CERN का जो उन्होंने स्टार्ट करा था वो भी उसी टाइम स्टार्ट हुआ था। CERN में क्या है मुद्दा, एक बेसिक्स इसका भी हम देखते हैं, फिर हम ओवरऑल हम समझ पाएंगे ज्यादा गहराई से कि CERN में उनका मकसद क्या है। बहुत सरल भाषा में आप समझे कि दो कंचे हम टकराते हैं, तो वैसे उनका कोशिश है कि हम पार्टिकल्स को एक दूसरे से टकरा दें ताकि वो पार्टिकल्स इतने छोटे हिस्से में टूट जाएं कि एटम, जैसा आप सबको पता है कि अणु यानी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन होता है, न्यूक्लियस होती है, और छोटे हिस्से क्या होते हैं, फिर हमें पता चलता है वहां पे बोजॉन्स होते हैं, W बोजॉन, Z बोजॉन होते हैं, क्वार्क्स होते हैं, ऐसे बहुत सारे हिस्से पता चलते जा रहे हैं। तो ये मकसद होता है उनका CERN यानी सन, यानी कि न्यूक्लियर रिएक्टर जो फैसिलिटी है उनकी। हालांकि नाम उसका फ्रेंच है तो नाम कुछ और है, लेकिन उसका जो हम इंग्लिश वर्जन बोलते हैं वो अलग बन जाता है, न्यूक्लियर रिएक्टर फैसिलिटी है उनकी। तो वहां पे इस मदद, अब वो कैसे कर पा रहे हैं, उनका मकसद होता है कि लगभग लाइट की स्पीड से अगर हम पार्टिकल्स घुमा दें इस 27 किलोमीटर के पैरामीटर वाले, इस 27 किलोमीटर के सरकमफ्रांस वाले टनल है उनकी जो स्विट्जरलैंड और जिनेवा के बीच में स्थित है, और यहां पे हम ये भगा दें। अब अगर ये यहां पे भाग गया तो इतनी तेजी स्पीड पकड़ लेता है कि इतने छोटे हिस्से हो जाएंगे, फिर हम उन हिस्सों को पढ़ सकते हैं। बहुत सारे मुद्दे उसके साथ जुड़े हुए हैं। अभी रिसेंटली क्या हुआ, वो तीसरी बार वो रिएक्टर उन्होंने ऑन करा, और इस बार जो उन्होंने ऑन करा वो उन्होंने करा है इतनी ज्यादा ऊर्जा के साथ कि इतिहास में इतनी ऊर्जा एक जगह पर आज तक कभी स्थित नहीं हुई।
वो बोल रहे हैं कुछ 13 trillion इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये 13 trillion वोल्ट बहुत ज्यादा है और इतनी शक्ति है उसके बारे में कि लोगों का कहना है, और जहां पे वो जो विसल ब्लोवर्स है जो वहां रहे हैं, वह जो उन्होंने काम करा है, जो पहले वहां काम कर चुके, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर फैसिलिटी सन तो शायद 1958 या 1960 से है, बहुत पहले से है, 70 सालों से है ये। वहां पे जो पहले काम कर रहा है, जो वहां रहे हैं, उन्होंने बोला है कि जब इतनी ऊर्जाएं आ रही हैं तो आप लोगों को तो सिर्फ ये बताया जा रहा है कि पार्टिकल को तोड़कर हम ये देखना चाहते हैं कि यूनिवर्स बिग बैंग के दौरान क्या हुआ था। असल में इन लोगों के ये मकसद नहीं है। वो कहते हैं कि इन लोगों के मकसद है कि ये इंटर डायमेंशनल ट्रेवल्स के लिए डोर, यानी कि पोर्टल, जो आप सब शब्द सुन रहे हैं, वो शब्द, वो पोर्टल्स यहाँ ओपन हो पाएंगे, उस दिशा में इनकी कोशिश। इतनी ऊर्जा जब इकट्ठा हो जाती है, और कहने को तो बातें ये भी हैं, और ये कोई हवाई बातें नहीं कर रहा है, ये बातें जो आ रही हैं ये वो विसल ब्लोवर्स, यानी कि जो वहां काम कर चुके थे वो बता रहे हैं, कोई बाहर से बातें नहीं आ रही हैं, कि ये जो अलग डायमेंशंस हैं, क्योंकि विज्ञान तो इस निष्कर्ष पर फिलहाल पहुंच ही गया है कि हमेशा सही था। रिलीजन से भी बहुत सारे आयाम, हिंदी में डायमेंशन को आयाम बोलते हैं, बहुत सारे आयाम होते हैं, तो वैज्ञानिक भी बोल रहे हैं कि 5 तो है ही जिनको ह्यूमंस एक्सेस कर सकते हैं, है ना, लेकिन ऑन बुक्स में नहीं छापी जाएगी क्योंकि उतनी उन्हें क्लैरिटी नहीं है। तो वो बोल रहे हैं कि इंटर डायमेंशनल जो बींग्स हैं, जो बींग्स, क्योंकि ह्यूमंस के अलावा भी बहुत बींग्स हैं, वो बहुत श्योर हो चुके हैं इस चीज़ को लेकर, ऑफिशियली स्टेटमेंट नहीं दिया, तो वो बींग्स अलग डायमेंशंस में रहते हैं, और उन डायमेंशंस पे ट्रैवल करने का एक प्रक्रिया है कि हम छोटे छोटे वॉर्म होल्स क्रिएट कर दें, वॉर्म होल्स क्रिएट करने की वजह से हम एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में ट्रैवल कर पाएंगे। तो ये कुछ कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं जिनका ओवरऑल हम देखा जाए तो सर्न की एक ओवरऑल हम देखें तो वैज्ञानिक जो अभी वहां काम कर रहे हैं वो बोल रहे हैं कि यूनिवर्स कैसे बना था, हम अणु को तोड़ तोड़ कर ये देखना चाहते हैं, और जो विसल ब्लोवर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि दूसरे पोर्टल्स खोल रहे हैं ताकि दूसरे डायमेंशन के बींग्स उस जरिए यहां आ सके, और लोगों का कहना है कि ऑलरेडी काफी सारे बींग्स यहां आते जाएंगे, आने वाले हैं, आ चुके हैं। ये कुछ बातें, सच्चाई क्या है भविष्य ही पता चलेगा, वो हम सबका मित्र है समय, और भविष्य वो जो हमारा मित्र है वो हमें सबको बताएगा कि कितना सच है कितना झूठ है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई जो आप लोगों को सर्न के बारे में 100% पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे सर्न के अराउंड, अगर आप में से किसी को कुछ मुद्दा होता है तो बिल्कुल आप यहाँ पे कमेंट करके यहाँ पे मैसेज कर दीजिए, हम उस पर भी डिस्कस कर लेंगे। कि वहां पे शिव जी की मूर्ति स्टैचू है नटराज पोज में, और नटराज पोज में जो वहां पे स्टैचू है वो शिव जी का स्टैचू इंडियन गवर्नमेंट ने उन्हें गिफ्ट करा था 2004 में। वहां पे इसके अलावा अब आप ये देखें कि नटराज, जो बहुत कंट्रोवर्शियल चीजें हैं, लेकिन नटराज में जैसे शिव जी हैं, तो शिव जी को बहुत सारे जो रिलीजियस स्टूडेंट्स हैं, जो अलग अलग रिलीजन्स को पढ़ते हैं, वो बोलते हैं कि जो लुसिफर है ना, सैटन, शैतान, जिनका सिंबल मून है, जिनके हाथों में ट्राइडेंट है, वो ही शिव है। और ये पूरा का पूरा मुद्दा इतना गहरा हो जाएगा, इतना कंट्रोवर्शियल है कि इसके ऊपर ज्यादा ऑफिशियल स्टेटमेंट्स भी नहीं आते। तो वो बोल रहे हैं कि शिव जी की वजह से सर्न में पावर्स आती हैं, ऐसा बहुत सारे लोगों का कहना है, और इसके लिए एक वीडियो भी है, आप YouTube पर देख सकते हैं, जहां पे सेटेनिक रिचुअल्स हुए हैं सर्न में, सर्न की मेन बिल्डिंग के बाहर सेटेनिक रिचुअल्स हुए हैं, जहां पे ऐसा वीडियो क्लिप है कि यहां पे बलि चढ़ाई गई है एक स्त्री की, और उस स्त्री की बलि चढ़ाई गई है, और सब लोग घेरा बनाकर, वो आप वीडियो देखेंगे, तो वहां पे सैटेनिक रिचुअल्स कर रहे थे और शिव की मूर्ति के सामने खड़े होकर रिचुअल्स कर रहे थे। वैज्ञानिकों का सैटेनिक रिचुअल्स में पार्ट लेना कोई भी नई बात नहीं है, बहुत एक्सट्रीम केसेस हैं, और ये हैरानी की बात है कि जितने भी इन चीजों को, क्योंकि ये बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल चीज है इसलिए आम जनता को नहीं बताई जा सकती, सच क्या है झूठ क्या है वो तो समय ही बताएगा, तो वो मैं समझता हूँ कि हम यहाँ नहीं डिस्कस करते, क्योंकि हम में से कई लोग रिलीजियस होते हैं तो कई लोगों की फीलिंग्स हर्ट हो सकती हैं, अंत बहुत गहरा हो जाएगा, और ऐसा नहीं है कि वो जो मैं बताऊंगा वो सच ही होगा, मैं कोई सब कुछ थोड़ी पता होगा मुझे, वो तो हमें भविष्य सच बताएगा, भविष्य को फैसला करने देना है, हमने समय सच बता देता है हमें, है ना। तो ये कुछ बातें थी, और सैटेनिक रिचुअल्स में हमेशा वो चीजें यूज हुई हैं, जैसे कि रात्रि की जहां मृत्यु है, हत्या करी जा रही है, तो वो ऑब्वियसली गलत हो जाएगा हम सबके लिए, और ह्यूमंस को वो गलत ही लगनी चाहिए हत्या करनी, क्योंकि इस युग में ह्यूमंस बहुत ही ज्यादा
डिस्ट्रैक्टेड माइंड हो चुके हैं, डिवाइडेड माइंड हो चुके हैं। अगर ह्यूमंस को ये समझ आ जाए, उदाहरण के लिए जो जैन महावीर समझा रहे थे कि तुम्हारी यात्रा अनंत है, शरीर तो मरता जाता रहता है, कृष्ण जी जो समझा रहे थे कि शरीर तो तुम नहीं हो, तुम शरीर से ऊपर हो, लोगों को अगर समझ आ जाएगा तो लोग तो एक दूसरे को मारने लग जाएंगे, तो ये चीज इसलिए छुपाई भी जाती है। तो सर्न में शिव का बहुत बड़ा कनेक्शन है, सर्न से गॉड पार्टिकल्स निकल रहे हैं, सर्न में ऐसी चीजें सामने आ रही है कि पोर्टल्स खुलकर बाहर के बीइंग्स हमारे पृथ्वी में आ सकते हैं। और इसलिए ये जो सारी बातें चल रही थी कि पोर्टल्स खुल गए हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा ऊर्जा इतिहास में एक जगह पे फोकस नहीं हुई है। इसलिए पिछले बार लोग बोल रहे थे कि यहाँ पे अर्थ कोलैप्स हो जाए, इतनी ऊर्जाएं भी हैं, लेकिन ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि अर्थ ये भी बहुत संभव है कि इतनी छोटी है भी नहीं, संभव है अर्थ भी इतनी ही हो, ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन अभी वैज्ञानिकों को बहुत कम पता है, दरअसल बिल्कुल ही नहीं पता, और ये अभी का ज्ञान नहीं है। जैसे मैम ने जैन लिटरेचर के बारे में भी आपको कुछ क्लासेस में बताया था, वो इतनी विशाल चीजें हैं कि किसी को कुछ नहीं पता, और ये तक बातें आई हैं, ये तक बहुत पुख्ता बातें आई हैं। इनफैक्ट जो 1947 में जो रोजवेल क्रैश हुआ था, आप लोगों ने सुना होगा कि एलियंस आए हैं पृथ्वी पर, मिल गए, उन पर वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, तो उस एलियन का जिस लेडी ने इंटरव्यू लिया था, उनका नाम शायद एना वाइट करके कुछ नाम है, उनकी अभी बुक भी आई है, एक डॉक्यूमेंट्री भी आई है, तो वो बोलती है मैंने एलियंस का इंटरव्यू लिया था।